हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन जो है अच्छे से चल रही होगी। आपने सी टेट की मैराथन, बाकी इंपॉर्टेंट क्लासेस वो देख ली होगी जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। कुछ अभी क्वेरीज थी जिस पर हमने लास्ट वीडियो बनाई, लेकिन एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा बन के आता है कि प्रिपरेशन तो हो गई लेकिन अब एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हैं, तो एटलीस्ट एक लेवल हमें ये भी जानना चाहिए कि एग्जाम किस तरह देना है, या फिर हम कह सकते हैं एग्जाम में होने वाली गलतियों को हम इग्नोर कैसे करें। तो आगे ये जो वीडियो आज की है, ये प्लस एक दो नेक्स्ट वीडियो आपको इस तरह से गाइडेंस पे आने वाली है सीटेट की, ताकि आपकी जो गलतियां है वो मिनिमम हो सके और आपका जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हो सके। क्योंकि लैंग्वेज चाहे सिलेक्शन में इशू आता हो, जिस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, एक लेटेस्ट दोबारा आपके लिए बनाई जाएगी। एक है हमारा टॉपिक ओएमआर से रिलेटेड कि आपको ओएमआर पे किस तरह से डिटेल फिल करनी होती है, क्या गलतियां होती है, क्या गलतियां ना करें। एटलीस्ट ये एक ऑप्शन हम आज देख लेते हैं ताकि आप लोगों की गलतियां कम से कम हो सके। बाकी ओएमआर से रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्वेरी हो तो एटलीस्ट आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके कमेंट बॉक्स पे कंटिन्यूस नजर रखते हैं कि आप क्या हमसे कहना चाहते हैं, क्या क्वेश्चन है, तो हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो ओएमआर सीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, इसी से आपके जो आंसर है वो चेक होने होते हैं। एग्जाम में एक बुकलेट जो कि आपकी क्वेश्चन बुकलेट है, उसके साथ में आपकी सेम जो ओएमआर सीट है वो निकल के आती है। तो कभी भी आप क्या है, इस जो ओएमआर सीट है इसको आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी बुकलेट के साथ, क्योंकि इसके कुछ जो कोड हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे एक कोड को, वो फिक्स होते हैं। तो इसी वजह से आप कुछ चीजों को चेंज नहीं कर सकते, तो कभी भी ओएमआर चेंज ना करें। ओएमआर सीट पे सबसे ज्यादा जो गलतियां करते हैं लोग, कि अगर आपने क्या किया, एक जो फिल किया बॉक्स को, सपोज ये आपने फिल किया और आप चाहते हैं कि ये आपका गलत हुआ है, इसको आप क्या करना चाहते हैं, व्हाइटनर यूज करें, या फिर आप क्या कर देते हैं जनरली कि आप इस पे कट करने की कोशिश करते हैं बाय द ब्लेड समथिंग, इस तरह की चीजें यूज कर ली जाती है। काफी टाइम ये मिस्टेक देखी गई है। तो ये कुछ भी इस ओएमआर पे, कंप्लीट ओएमआर सीट पे ये आप देख सकते हैं, इस पे कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कट पिट कुछ भी नहीं करनी है। सिर्फ आपको अपने आंसर या फिर अपनी जो रिक्वायर्ड जो चीजें इसमें मांगी जाती है सिर्फ उसको ही फिल करना है। इसके अलावा अगर आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ भी की, चाहे आप व्हाइटनर चलाइए, चाहे आप ब्लेड से कट करिए, या फिर कुछ लोग देखा है कि गीला करके भी पेज को क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि ये हट जाए, ऐसे ऐसे करके कुछ चीजें की जाती हैं, तो वो सब क्या होती है, आपकी जो आपकी ओएमआर सीट है वो पूरी कैंसिल हो जाएगी, आप लोगों के रिजल्ट तक नहीं आएंगे ऐसे केसेस में। तो कुछ भी ओएमआर पे आपको टच नहीं करना, एक्सेप्ट आपकी आंसर्स, आपकी रिक्वायर्ड जो इनबॉक्स आपको इनपुट देने हैं उसके अलावा, ठीक है। ये पॉइंट था इंपॉर्टेंट जो कि हमने देखा कि आपको ओएमआर पे कुछ भी टच नहीं करना। सिंपली आपको जो पेन यूज करना है ओएमआर के लिए, बॉल पेन यूज करना है, कलर आपके क्या होंगे, ब्लैक, और आपका क्या होगा, ब्लू। दो पेन आप यूज करिए, जेल पेन आप इसको बिल्कुल भी यूज मत करिएगा। अगर आपने जेल पेन किया तो भी आपकी क्या है, सीट खराब हो जाती है, क्योंकि जेल में जो है लिक्विड जो फॉर्म होती है वो ज्यादा होती है, ड्राई होने में टाइम लेती है, जिससे आपकी सीट खराब हो सकती है। तो ये चीजें आपको, तो सबसे पहला कंफ्यूजन जो होता है पेन का, पेन आपको दो यूज करने, इसके अलावा कोई और यूज नहीं करना। कोशिश करिएगा आप ब्लैक पेन यूज करिएगा। कुछ लोग कहते हैं पेंसिल यूज करिए, मैं नहीं कहूंगा कि पेंसिल यूज करने, बिकॉज ऑफ कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो आंसर की पे आपका आंसर है वो अगर लाइट हुआ, हल्का हुआ, और वो डिटेक्ट नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ आपकी जो ये सीट है, जब कंप्यूटर इसको रीड करेगा उस टाइम पे, तो आपका वो नंबर जा सकता है। तो ऐसी चीजें नहीं करनी। एक पॉइंट था, लाइक अगर आपका ऊपर की सीट को छोड़ के, हम एक एक सीट पे देखेंगे, डिटेल में भी जाएंगे, लेकिन अगर हम देखें आंसर सीट में, अगर आपने सपोज कोई भी ऑप्शन को आपको फिल करना था, आपको करना था सेकंड, लेकिन आपने क्या किया, थर्ड कर दिया। कुछ लोग क्या करेंगे फिर वही कट करने की बात, तो कट कभी नहीं करना। अगर आपको लगता है कि ये आंसर आपका गलत फिल हो गया है तो आप छोड़ दीजिए उसे, या फिर अगर आपको ये लाइट फिल है, हल्का फुल्का निशान लगा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका करेक्ट आंसर आपको लगता है उसको फिल कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको हो सकता है एज पर जो आपने फिल किया उसके अकॉर्डिंग नंबर मिल जाए। दो फिल करने से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन नंबर आपको नहीं मिलेगा, वो क्रॉस हो जाना है। नंबर कब मिलेगा, जब एक आपका प्रॉपरली फिल्ड होगा और वो करेक्ट आंसर होगा, या फिर इन केस कि अगर वो कॉन्फ्लिक्ट में जाता है तो सबको नंबर मिलता है, तब मिलता है। अदरवाइज कोई भी ऐसा नहीं है कि आप दो दो बॉक्स भर के आ जाएंगे तो नंबर तब नहीं मिलना। कोई अगर आप कट करना चाहेंगे या कुछ करेंगे तो भी आपको नहीं मिलना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका ये सर्कल होता है, इसको भरने के सिंपली दो तरीके हैं। कुछ लोगों की प्रैक्टिस होती है कि आप क्या करते हैं, सेंटर से लेके इसको बाहर की तरफ फिल करते हैं, ठीक है। कुछ जो अलग है, कुछ लोग क्या करते हैं इसको अपोजिट फिल करते हैं। जैसे आपका सर्कल कुछ इस तरह से, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसको बाहर की तरफ से अंदर लेके आएंगे।
मैं प्रीफर करूंगा या फिर आपको सजेस्ट करूंगा ये वाला मेथड यूज करिएगा जो सेकंड है कि आप बाहर से अंदर की तरफ को सर्कल फिल करिए। उसका रीजन क्या होता है, जो भी आपकी ये बाउंड्री है सर्कल की इसको आप क्रॉस ना करें, ताकि जितना आपका आंसर जो फिल करने का तरीका है वो आपके उस सर्कल दिए हुए सर्कल के अंदर रहेगा वही करेक्ट होगा। अगर आपने उस सर्कल से ज्यादा बाहर किया तो वो आपका हो सकता है आंसर ना माना जाए। तो कोशिश करेंगे जब आप अंदर से बाहर की तरफ को चलते हैं तो आपका क्या है, गलत होने की चांसेस ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप अंदर से बाहर की तरफ चेक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे किसी भी डायरेक्शन से तो आप इजिली फील कर सकते हैं, आपका गलत भी फील नहीं होगा। अब देखते हैं कि आपके जो ओएमआर सीट है उसमें क्या क्या आपको भरना होता है और कैसे भरना है, क्या बेस्ट तरीका रहेगा उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम इसको 7 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं कि 7 एरिया ऐसे हैं जो आपको फिल करने होते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी, वैसे तो ये जो आपको ओएमआर सीट है ये आपको क्या है, ओएमआर सीट सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, जाके देखिए इवन इसकी प्रैक्टिस करिए। तो बात यहीं से स्टार्ट होगी कि प्रैक्टिस करनी है ये 7 सेक्शन में कैसे, जो रोल नंबर आपको मिलेगा अभी एडमिट कार्ड आने वाला है, एडमिट कार्ड अभी तक आया नहीं है, जो मेन एडमिट कार्ड है, जो आपका एडमिट कार्ड है उसका जो रोल नंबर है आपको एटलीस्ट 1 से 2 बार 3 बार 4 बार जितना ज्यादा हो सके एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ताकि आपके जो सबकॉन्शियस जो आपका माइंड है उसमें आपका रोल नंबर फिट हो सके। तो जो माइनर मिस्टेक्स होती है रोल नंबर एंट्री करने में तो एटलीस्ट वो कम से कम हो, क्योंकि काफी टाइम क्या होता है रोल नंबर होता है 1 2 3 4 7 समथिंग लाइक इस तरह से आगे जाएगा, और गलती क्या होती है कि आपने नेक्स्ट डिजिट को पहले डाल दिया, इस तरह की गलती, क्योंकि आपको रोल नंबर ही याद नहीं है। जब आपको रोल नंबर याद नहीं है करना भी नहीं है कि एज इट इज आपको रट के जाना है कि मुझे रट के जाना है, लेकिन एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आपको एक सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो रोल नंबर हो ताकि आपकी एंट्री गलत ना हो सके। ठीक, तो जो सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है वो है रोल नंबर, और वो आपको एक बार को याद करके थोड़ा सा चलना है कि एक बार आपको गलती ना हो। साथ ही साथ काफी जो है अलग अलग प्रैक्टिस हो सकती है, कोई भी अगर ये कहता है कि नहीं ये प्रैक्टिस ऐसे नहीं मैं ऐसे करता हूँ तो हो सकता है आपकी खुद की प्रैक्टिस अलग हो, लेकिन कोई अगर आप चाहते हैं कि कम से कम गलतियां हो या फिर एक दूसरा ऑप्शन की क्या बेटर हो सकता है उसके लिए सारी चीजें डिस्कशन में है। तो रोल नंबर जैसे आपने लिया सबसे पहले जो कि हम बात कर रहे हैं सिक्वेंस वाइज, तो रोल नंबर आपने सबसे पहले क्या होता है आपको रोल नंबर लिख लेना है अच्छे से, कि आपने अगर रोल नंबर लिख लिया है तो आपकी ये मान लीजिए आधी जो गलती है वो अपने आप कम हो जाएगी अच्छे से लिखने, क्योंकि इसके बाद ही क्या है आपको बॉक्सेस फिल करने हैं। अगर ये आपको बॉक्सेस फिल करने हैं तो इसके लिए सिंपल सी चीज है कि आप डायरेक्टली फिल मत करिए, आप सबसे पहले जैसे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये एक गलती हुई आपका एग्जाम पूरा खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना कि आप रोल नंबर जल्दबाजी में भर रहे, रोल नंबर जैसी चीजें इंफॉर्मेशन ये आपके जो बुकलेट पे है या फिर आप कह सकते हो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन आप दो एक दो आंसर ऊपर नीचे कर दोगे कुछ नहीं बिगड़ने वाला, आप हो सकता है बाकी जो 150 में से 140 145 से भी आप नंबर निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने ओएमआर में मेन चीजों में गलती कर दी तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचने वाला। तो सबसे पहले आपने रोल नंबर फिल कर लिया, तो सबसे पहले आप इसके बाद क्या करेंगे कि आपका जैसे 1 है तो 1 के पे क्या करें आप 1 2 बट अपने पेन से टच करके वहां पे मार्क कर लीजिए कि ये मेरा है। नेक्स्ट ऐसे ही मान लीजिए आपका 2 था तो आप 2 की जगह पे 3 4 5 7 है, 7 की जगह 8 है 9 है, इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से निशान बनाने सबसे पहली बार के में कि आपका ये मैं रोल नंबर को फिल करने वाला हूं। और अब आप जब फिल करेंगे लाइक आपको 1 करना है तो ऊपर से रीवेरीफाई करना है, इसलिए यहां पे सिर्फ टच कराया था कि रीवेरीफाई करिए कि आपने जो निशान लगाया वो करेक्ट है, यस फिल कर दीजिए, जो कि 99% क्या है कि आपका हो सकता है करेक्ट ही होगा, लेकिन यहाँ पे रीवेरीफाई हो जाता है एटलीस्ट एक बार भी अगर आपने गलती से क्या किया, क्योंकि काफी टाइम क्या होता है लोग यहाँ पे क्या करते हैं 00 था, 00 के बाद तीसरा जो कोई नंबर आया वो इसी के नीचे भर दिया, ना कि नेक्स्ट जो आपकी रो है उसकी वजह से क्या होता है ये अक्सर गलतियां होती है। तो ऐसी चीजें ना हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पोर्शन पे आपको डायरेक्टली फिल करने की वजह आपको एक मार्क बना देना इतना लाइट कि ओएमआर अगर वो कंप्यूटर को, अगर मान लीजिए गलत होता है वो ऑप्शन मतलब आप फिल करने वाले थे, अगर वो गलत भी होगा तो भी जल्दी सी उसको कंप्यूटर नहीं रीड करने वाला, क्योंकि वो बहुत लाइट होगा सिर्फ आपको दिखने वाला है। और दूसरी चीज एटलीस्ट 0 होने से बेटर है कि 1% ऐसा रिस्क लिया जाए या फिर ऐसी चांस हो कि आप यहाँ से सेफ हो जाए, तो 100% यहाँ से आप क्या हो सकते हैं सेफ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट सेम आपके पास क्या होता है आपका जो बुकलेट का जो नंबर होता है, आपको बुकलेट जो आपको दी जाती है जिसमें ये ओएमआर की सीट निकलती है उसका जो नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होता है, तो नंबर ये यूनिक ही होगा हर बार जब आएगा आपका, जब भी एग्जाम मतलब पेपर 1 पेपर 2 है या फिर नेक्स्ट टाइम सीटेट होगा तो इसको आप याद नहीं कर सकते, तो इसको फिल करते टाइम सेम
आपको अच्छे से जो नंबर है वो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे फिल करना है, और फिल करने के बाद सेम आप पहले चीजों पे जहां जहां जो मार्क करना है उस तरह से पहले निशान बनाइए लाइटली, फिर उसके बाद उसके सर्कल को फिल करिएगा। दूसरा ऑप्शन क्लियर हुआ कि बुकलेट नंबर है। तीसरा जो आता है आपको बुकलेट कोड, क्योंकि यहाँ पे ना तीन बुकलेट कोड है अल्टीमेटली, तो तीन में से एक आपको पहले से प्रीफिल्ड मिलता है कि आपको क्या मिलेगा, बुकलेट नंबर था ये आपने कर दिया, ये कोड ऑलरेडी फिल्ड है आपका। जैसे हम एग्जांपल में देखिए तो एम यहाँ पे है और उसका जो सर्कल भी फिल्ड है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो बुकलेट मिली थी जिसके अंदर ये आपकी ओएमआर सीट है, ये जो ओएमआर सीट है ये एम जो हम कह सकते हैं सेट है, ए बी सी डी होते हैं, इसी तरह के एलिमेंट हो सकते हैं, कोई भी अल्फाबेटिकल हम जो सेट्स क्रिएट करते हैं, चार सेट क्रिएट करते हैं जनरली, तो उनमें से कौन सा ये टाइप है ये इसको दर्शाता है। तो आपको जो बुकलेट मिली है उन एग्जाम में से ये जो टाइप मिली है वो एम टाइप की है सपोज, और उसका और प्री फिल्ड है ऑलरेडी कि आपके जो क्वेश्चंस है वो किस सीक्वेंस में होंगे, अल्टीमेटली ये डिफाइन होता है। तो नॉर्मल सी बात है आपकी जो मेन बुकलेट है वो एम है बिकॉज ऑफ आपकी जो क्वेश्चन सीट है वो भी एम को ही रेफर कर रही है और आंसर भी, तो आपका जो मेन जो पोर्शन होगा अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन को वो एम के अकॉर्डिंग ही चेक होने वाले हैं। तो ये हो गया, लेकिन लैंग्वेज के लिए अलग से दोबारा ऑप्शन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपका लैंग्वेज क्या सीन होता है कि आपको जो बुकलेट मिलती है पूरी जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको लैंग्वेज मिलती है हिंदी और इंग्लिश, दो दो सेट मिलते हैं। उसमें हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, अभी सेपरेट वीडियो एक अलग से शॉर्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे लैंग्वेज सिलेक्शन कैसे कैसे रहना है, वो चीजें भी हम अलग से बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट यहाँ पे पॉइंट आता है कि आपके पास लैंग्वेज क्या है, हिंदी इंग्लिश की आपको बुकलेट मिलती है, हिंदी इंग्लिश की मिलेगी, लेकिन लैंग्वेज लगभग 22 लैंग्वेजेस का ऑप्शन होता है, मान लीजिए मराठी है, गुजराती है या फिर पंजाबी है, इस तरह की सभी लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज वन सपोज आपने हिंदी या इंग्लिश में से ली है, लैंग्वेज टू हिंदी इंग्लिश के अलावा आपने कोई और अदर ऑप्शन लिया है लाइक गुजराती, अब उस केस में आपके पास क्या हुआ, आपका बुकलेट यहाँ पे जो नंबर आएगा लैंग्वेज वन, अगर बुकलेट सेम है मतलब हिंदी इंग्लिश में से लिया और पेपर जो लैंग्वेज वन है तो आप उसके अकॉर्डिंग एम ही फिल करेंगे, सिंपल सी बात है क्योंकि सेम बुकलेट को ही रेफर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका अब लैंग्वेज के लिए इस पेपर में तो नहीं मिलेगी तो उसके लिए आपको स्पेशल दूसरी बुकलेट मिलती है। बुकलेट में क्या होगा, उसका एक कोड होगा। कोड का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया कि कोड का मतलब होता है आपके क्वेश्चन और ऑप्शन का अरेंजमेंट क्या है वो डिफाइन होता है उसके हिसाब से। क्वेश्चन तो सभी को आने भी ही है लेकिन अरेंजमेंट क्या है वो चीजें डिफाइन करता है। तो आप यहाँ पे हो सकता है आपको के जो नंबर है, के बुकलेट जो है लैंग्वेज टू की आपके पास हो, ठीक है। इसी तरह आपके पास हो सकता था कि आपके पास मेन जो क्वेश्चन है लाइक आपके जो सब्जेक्ट है मेन सीडीपी हुआ, पेपर वन की बात करेंगे ईवीएस हुआ, मैथ हुआ, ये तो सबके पास हो गया लेकिन लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू हिंदी और इंग्लिश में से कोई सी है ही नहीं, आपने दोनों ही लैंग्वेज अलग भरी है तो आपकी बुकलेट में तो दोनों नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो है बुकलेट जो लैंग्वेज वन के लिए आप प्रीफर करने वाले हैं कि सपोज आपकी गुजराती है, आपने गुजराती का जो पेपर लिया है वो लैंग्वेज वन के लिए प्रीफर किया है, तो आप यहाँ गुजराती के अकॉर्डिंग जो भी उसका आपकी बुकलेट का कोड होगा वो फिल करेंगे। सेकेंड सेम जो पेपर जो आपकी लैंग्वेज टू होगी जो उसकी बुकलेट के लिए रेफर की जाएगी आपको उसका कोड डालना होता है। अगर आपकी सिंपल हिंदी और इंग्लिश है तो आपका कोड वही रहेगा जो आपकी बुकलेट का कोड है, लेकिन अगर आपकी आंसर मतलब आपके जो लैंग्वेज है डिफरेंट है हिंदी इंग्लिश के अलावा तो आपकी जो बुकलेट है वो भी डिफरेंट होगी सिर्फ लैंग्वेज के केस में, बाकी में एम ही वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट फिल रहता है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। इवन एग्जाम में जो आपके पास जो फैकल्टीज वहाँ पे मौजूद रहती हैं तो वो कम्प्लीटली आपको इस चीज़ के लिए हेल्प भी करेंगी, वो आपको कोई कन्फ्यूजन होगा वो भी दूर कर सकते हैं। बट एक माइंडसेट आपको रेडी रहना है कि आपको जल्दी जल्दी फिल नहीं करना, अड़ोसी पड़ोसी से तो बिल्कुल देख के नहीं पढ़ना, हो सकता है वो हिंदी इंग्लिश ना हो के कोई और लैंग्वेज का हो और आप हिंदी इंग्लिश वाले और आपने भर दिया, गलती हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों से बचना है, या तो इस तरह से समझिए या फिर आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे आपको बुकलेट के फ्रंट पेज पे वो रेफर करिए। कोई भी फिर भी डाउट रहता है तो आप जो वहाँ पे आपके पास फैकल्टी टीचर जो अवेलेबल होंगे उनसे पूछिए, या फिर एक बेसिक आइडिया आपको ये पता होना चाहिए ताकि कोई भी अगर फैकल्टी भी अगर गलती से कुछ ऑप्शन गलत बता देता है, काफ़ी टाइम ऐसा हो सकता है, तो ऐसे केस में आपको एक आइडिया हो। क्योंकि ओएमआर सीट पे ये जो चार पांच ऑप्शन है आपको यहाँ से यहाँ तक दिखते हैं इसमें आप री एंट्री नहीं कर सकते और आप गलती भी नहीं कर सकते। तो यहाँ तक आपने क्लियर किया कि आपके पास लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू तक का भी आपने ऑप्शन फिल किया। उसके बाद आता है आपका जो ऑप्शन है जो आपका रिस्पॉन्स आएगा वो टोटल 150 है। बस जो कंफ्यूजन आता है लोगों को लैंग्वेज का आता है, लैंग्वेज पे आप हमारे चैनल पे स्पेशली जाकर देखेंगे लैंग्वेज सिलेक्शन पे वीडियो, प्रॉपर एग्जाम जो आपका है सीट उसके साथ में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको लैंग्वेज कैसे अटेम्प्ट करनी है वो वहां से आप समझ सकते हैं, तो आप उसके लिए देख सकते हैं। अदरवाइज आपको सिंपली नेगेटिव मार्किंग जो आपका नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती इसमें,
तो आपको अगर जितना पेपर है बेस्ट है, आप जितना ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट करें उतना अच्छा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जो एग्जाम है वो नहीं हो पा रहा है, पूरा छूट रहा है, टाइम कम हो रहा है और लास्ट की मिनट में भरना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली जो भी आपको लाइन अच्छी लगे आपको ऊपर से लेके नीचे तक फिल कर देनी है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है पहली चीज। दूसरा, ऊपर से लेके सीधी लाइन में क्यों फिल करना है उसका रीजन बताता हूं। आपके पास क्या होता है, चार ऑप्शन होते हैं, चार ऑप्शन में से एक सही है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/4 होने वाली है। अगर आपने सपोज एक आंसर ऐसे दिया फिर दूसरा तीसरा ऐसे आपने क्रॉस में किया, तो आपका हो सकता है पहले का आंसर ये ठीक हो, दूसरे का ये ठीक है, तीसरे का ये ठीक हो, इस तरह से क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है और आप कंटिन्यूअसली गलत होंगे। लेकिन जब आप एक लाइन में तुक्का मारेंगे तो आपकी 1/4 हमेशा चांस रहेगी, और चांसेस ये रहती है कि आपके जो एग्जाम सेट बनाए जाते हैं वो अराउंड 1/4 ही आंसर्स करेक्ट होते हैं, ए 1/4 ही होते करेक्ट, लगभग बी, और 1/4 ही होते हैं सी और डी, इसी तरह। तो अगर आप सपोज 16 क्वेश्चन ऐसे लगा के आते हैं तो चार आपको नंबर मिल सकते हैं। क्रॉस करके आएंगे और बिल्कुल आंख बंद करके पेपर को क्रॉस कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए, तो चांसेस 99% आपकी गलत होने के लिए, 1% आपको किस्मत के भरोसे मिल जाए तो अच्छी बात है, या फिर लाखों में से कोई एक ही बंदा मिलेगा कि वो ऐसे क्रॉस आंसर्स लगाए और उसके ज्यादा ठीक हो जाए, वो उसकी किस्मत पे छोड़ सकते हैं। तो रिस्पॉन्स कैसे डालना है वो बताया, सभी को अटेम्प्ट करना है ये बताया, तुक्का मारना है तो भी बताया, बजरंगबली की जय बोलो और बी लगा दो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन हमेशा बी और सी में से लगाइए बेटर रहेगा, एक लाइन में जब भी लगाना है ए बी सी डी, बाकी आपकी चॉइस है कोई भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, आपका कैंडिडेट जो सिग्नेचर है वो आपको करने होते हैं। कैंडिडेट सिग्नेचर के लिए आपके पास ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, कैंडिडेट का है, यहाँ पे सिग्नेचर मत कर दीजिएगा, यहाँ पे जो आपके एग्जाम हॉल में जो जिनकी ड्यूटी रहती है टीचर फैकल्टीज हम कह सकते हैं, वो आपके वो सिग्नेचर करते हैं एज अटेंडेंस, या फिर आप कह सकते हैं वेरिफिकेशन कि हाँ वे थे। आपका सिग्नेचर का जो प्लेसमेंट है वो ये है। इसके लिए आपको ये सेम पीडीएफ आपको हमारे जो चैनल है टेलीग्राम पे उस पर आपको मिल जाएगा, तो ये रेफर भी कर सकते हैं समझने के लिए, वहां पे आप सर्च भी करेंगे कि आपको क्या चेक करनी है ओएमआर सीटेट के लिए, तो वो आप वहां से हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे केसेस जो हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है वो हमने एक्सप्लेन की, और यही आपकी ओएमआर सीट रहती है। फिर भी इसके बाद कोई डाउट है, ऐसा लगता है कि कोई ऐसी क्वेश्चन क्वेरी बन रही है जो आपको पूछनी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम पे भी अगर आपको अलग से पूछना है तो आप एप्लीकेशन के थ्रू भी हमसे स्पेशली अलग चैट में बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमसे कनेक्ट करिए, हमें अच्छा लगता है आपके अच्छे रिस्पॉन्सेज के। वीडियो को लाइक करिए क्योंकि डिसलाइक करने वाले सभी लोग हैं, पीछे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलतियां निकालते रहते हैं, लेकिन हमारे एफर्ट्स को अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट लाइक का बटन जरूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और उम्मीद करता हूँ आप हमें इन प्लेटफॉर्म पे भी ज्वाइन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।